आप सभी को नमस्कार। एमईए सर्विसेज अजमेर राजस्थान से मैं आलोक सिंह सिसोदिया। आज हम बात करने वाले हैं 1639 नॉन इमोबिलाइजर जो महिंद्रा एंड महिंद्रा बस में आता है उस ईसीएम के बारे में। इस ईसीएम में कुछ प्रॉब्लम थी, हमने इसको रिजॉल्व कर दिया है। अब मैं इस ईसीएम में से प्रोग्रामिंग निकाल के रख रहा हूँ, जस्ट इन केस किसी को ज़रूरत पड़े या फिर मेरे को ही ज़रूरत पड़े। तो हम क्या करते हैं, हर ईसीएम में से प्रोग्रामिंग निकालना जरूरी होता है, क्योंकि जस्ट इन केस काम करते करते अगर कोई ईसीयू में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका प्रोसेस एक बार छोटा सा तरीका देखेंगे कि कैसा होता है। ये केबल आती है बूट मोड की, इसमें लिखा होता है 1443-00T-104-1DC-2610। ये केबल आती है 10 पिन्स की, इसको इस तरीके से छीलना है, ठीक है। एक नंबर पिन आपको इसको काउंट करना है, फर्स्ट नंबर आप इसको देंगे। बहुत शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसमें से यहाँ पर प्री सोल्डरिंग आपको करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर प्री सोल्डरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 10 पॉइंट्स और ये 10 केबल, इनको मैं इधर माउंट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको माउंट करूँगा इधर, ये मैंने फर्स्ट माउंट करी, ठीक है। जो रेड वाली है उसको सेकंड नंबर पर माउंट कर रहा हूँ मैं, तो सेकंड माउंट करूँगा मैं, सेकंड माउंट इधर करूँगा मैं। अब जो थर्ड है उस थर्ड को मैं वापस नीचे लूंगा। फिर जो मेरा फोर्थ है फोर्थ को वापस मैं अप करूंगा। जो मेरा फिफ्थ है उसको वापस मैं इधर करूंगा। जो सिक्स्थ है उसको वापस मैं इधर करूंगा। सेवन, एट, नाइन एंड टेन। मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था, इनको पिन को प्रॉप करके हेयर को पूरा ट्विस्ट कर दिया था, इनके जितने भी हेयर थे उनको पूरा ट्विस्ट कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा, मेरा केटेक है, केटेक को मैं उठाऊंगा, यहाँ से बहुत इजीली बहुत डेलिकेटली मैं इसको प्लग इन करूंगा। तो ये प्लग इन नहीं हो पा रहा क्योंकि ये उल्टा है, इसको मैं इधर से प्रेस करूंगा, इधर से प्रेस करूंगा। जो भी लैपटॉप का काम करते हैं या लैपटॉप में रैम कभी ने किसी ने भी निकाली होगी तो उनको ये तरीका पता होगा कि रैम कैसे लगती है। मेक श्योर मैं करूंगा सारे पॉइंट्स के, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई टच तो नहीं हो रहा। तो मैंने यह देखा कि कोई टच नहीं हो रहा है, अगर कोई टच होगा तो ईसीएम 1 सेकेंड में ख़राब हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। यूएसबी में अब लगाऊंगा और पावर में अब ऑन करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्लग इन कर रखा था, सिर्फ यूएसबी मैंने ये लगाया, पावर मैंने लगाया। मैं मेरा सॉफ्टवेयर ऑन करूंगा, 2.25 मेरे पास केटेक है, इंटरनेट मेरा ऑन हो या ऑफ हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही फटाफट से बताने वाला हूँ कि कहाँ से जाके क्या रीड होगा। कार सेगमेंट में जाना है, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो लिखा होता है इसमें एम मतलब महिंद्रा टाइप करना है। महिंद्रा जैसी टाइप करेंगे तो मॉडल्स आएंगे, मॉडल्स में देखेंगे कि 1639 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हेयर पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, ये आपके पास ईसीएम का फोटो आएगा, सेकंड ईसीएम का ये फोटो आएगा। अब मैं देखूंगा तो मेरा ये ईसीएम थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। मैं एक और ईसीएम है जो हार्डवेयर 2, वो भी मैं देख लूंगा, तो हार्डवेयर 2 मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरा हार्डवेयर 1 मैच कर रहा है, मैं इसको देन ओके प्रेस करूंगा। 16C39P699। अब तीन तरह की मेमोरी है इसमें, माइक्रो भी है, फ्लैश भी है और ईप्रोम भी है। तीनों मेमोरी जो है वो रीड करनी है मुझे, तो मैं ओके करूँगा, इसको अनक्लिक करूँगा और इसका बैकअप ले लूँगा। तो ये है सबसे सिंपल तरीका, जिसको रीड करना है वो ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत इजीली आप रीड होगा ईसीएम, जब भी रीड होगा तो इंडिकेशन जो केटेक के पीछे के इंडिकेशन होते हैं वो इंडिकेशन आएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि रीडिंग डिवाइस इन्फो, डिवाइस इन्फो आने लग गई है। ये जितना भी मैंने दिखाया है सारा लाइव दिखाया है, एक वन शॉट में दिखाया है,
मतलब मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे इसको रीड करने में। अब इसमें तीन तरह की मेमोरी स्टार्टिंग में दिखा रहा था, अभी दो तरह की मेमोरी ग्रीन आ रही है। मैं दिखाता हूँ अभी क्या होने वाला है, ये बहुत जल्दी रीड करेगा इसको। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी अलग है, वो दिखाएंगे इसके बाद का प्रोसेस क्या है। ध्यान रहे कि जो आपने माउंटिंग करी है, जिन भी वायर से माउंटिंग करी है, उसको निकालने का भी एक तरीका है। अगर आपने बहुत डेलिकेटली नहीं निकाला तो नीचे के प्रिंट उखड़ेंगे और वो कभी लगेंगे नहीं। ईसीएम में क्या होता है, जितने प्रिंट होते हैं वो बूट मोड के लिए यूज होते हैं, या फिर सीएनएफ के लिए यूज होते हैं, या फिर कोई और डेटा लिंक के लिए यूज होते हैं, तो उनको बेशक ध्यान रखना है कि कोई प्रिंट उखड़े ना। यहाँ पर मैं इसको एक फोल्डर बनाऊंगा कोडिंग नाम से, इसको मैं ओपन करूंगा। इसमें महिंद्रा और एक फोल्डर और बनाऊंगा कार का। जितनी प्रोग्रामिंग होती है उसको सेव करने का भी एक तरीका होता है। कोडिंग खोला, कोडिंग में कार से में गए, महिंद्रा में गए। अब मैं यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा बस प्लस कार 16C39P 3996 99, इसको ओके करूंगा मैं। ये मैंने फोल्डर मेक कर लिया है, तो मैं ये डेस्कटॉप पे जाऊंगा, कोडिंग वाले फोल्डर में जाऊंगा, कार वाले में जाऊंगा, महिंद्रा में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा और इसको करूंगा मैं यहां से रीनेम। ये मैं करूंगा कॉपी, मैं डालूंगा मेरे इस फोल्डर को सेम नेम, हर फाइल मेरी सेम नेम पे जाए। अब मैं इसको सेपरेटली सेव करूंगा, यस करूंगा। मैं मेरे फोल्डर में जाऊंगा वापस, तो आप देखेंगे कि मैंने जिस नाम से फोल्डर बनाया था उसी नाम से मेरा ये सेटअप आ चुका है। तो इसमें मैं तीन फाइलें बताता हूँ। ये जो फाइल होती है ये होती है कंप्लीट फाइल, जो 422 KB की होती है। ये होती है कंप्लीट फाइल, ये होती है ईप्रोम फाइल, ये होती है फ्लैश फाइल। अब मैं इनको वापस रीराइट करके बताता हूँ कि जो मैंने करा है। तो मैं इसको रीस्टोर पर क्लिक करूंगा। मैं कंप्लीट फाइल डालना चाहूँ इसमें, तो मैं राइट पर क्लिक करूंगा, इसको बड़ा करूंगा। कंप्लीट फाइल मेरी ये है और ये है मेरी सेपरेट अलग अलग फाइल है। तो कंप्लीट फाइल पर मैं डबल क्लिक करूंगा, रीस्टोर पे मैंने क्लिक करा है सिर्फ, और राइट से मैंने कंप्लीट फाइल चूज करी है। जैसे ही मैं कंप्लीट फाइल चूज करूंगा यहाँ पे मेरे को एक इंडिकेशन आएगा, मतलब जो फाइल मैंने रीड करी है उसी फाइल को मैं डाल भी सकता हूँ। मान लीजिए आपके पास दूसरा ईसीयू है तो आप उसमें डाल भी सकते हैं। राइटिंग लिखा हुआ आएगा, वन शॉट काम हो रहा है जितना भी है। तो आप देखेंगे रीडिंग 10 मिनट, राइटिंग 10 मिनट, बहुत ईजी सा काम होता है ये। इस बीच में ध्यान रहे जितना भी काम होगा ना तो आपका हाथ हिलना चाहिए और ना वायरिंग हिलनी चाहिए, ना लाइट जानी चाहिए। अब मान लीजिए आपको किसी ने पूरी कंप्लीट फाइल भेजी थी, तो कंप्लीट फाइल डालने का प्रोसेस मैंने बता दिया। अब मान लीजिए सेपरेट फाइल किसी ने भेजी है आपको, तो मैंने सेपरेट फाइल पे फ्लैश फाइल पे क्लिक करा, राइट पे क्लिक करा। अब मुझे पता है फ्लैश फाइल सबसे बड़ी फाइल होगी, तो मैंने इस पर FLS
FLS का फुल फॉर्म होता है फ्लैश। डबल क्लिक करूंगा मैं, डबल क्लिक करूंगा और डायरेक्ट ये फ्लैश मेमोरी इसमें ले लेगा ये। मीन्स जिन्होंने सेपरेट फाइल आपको भेजी है आप उससे सेपरेट फाइल लेके और डायरेक्ट भी डाल सकते हो सेपरेटली, ईप्रोम अलग फ्लैश अलग। फ्लैश मैंने डाल दी, अब मैं ईप्रोम डाल के देखूंगा। तो सेपरेटली अगर मुझे डालना होगा तो मैं ईप्रोम भी डाल सकता हूँ। ईप्रोम बहुत जल्दी डलेगी क्योंकि इसका जो साइज होगा वो 4 KB का होगा, विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, मतलब पता भी नहीं चलेगा कई बार कि ईप्रोम डल गई है। तो कोशिश ये रखना कि ईप्रोम 2 बार राइट करना। अब जब भी आपका इसका काम हो जाएगा तो आपको इसको BDM कनेक्शन जितने भी आपने डाले हैं, BDM नहीं सॉरी बूट मोड में जितने भी कनेक्शन आपने डाले हैं, जब आपका पूरा ये काम खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा कि ये कनेक्शन निकालने होंगे। ये कनेक्शन निकालने का एक तरीका है, USB को हटाना है, पावर को बंद करना है। प्रिकॉशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप काम में लेंगे तो आपको फायदा होगा। और विद इन 3 और 4 सेकेंड ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको कंटिन्यू मतलब हटाते से ही आपको डिस्चार्ज नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए। केटेक की जो पावर होगी वो कट हो जाएगी, यहाँ से पावर कट हो चुकी है। इधर की जो पावर है वो अगर इधर ही डिस्ट्रॉय कहीं ना कहीं होगी क्योंकि ग्राउंड के थ्रू हर चीज डिस्ट्रॉय होती है। तो जैसे ही आप आयरन किसी भी प्रॉप पे टच करेंगे तो अर्थिंग आपकी इधर से ही ले लेगा। तो ना तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास प्रिकॉशन है जो कि आपको यूज करना है। इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, जो आपकी बिट हो वो बिट पूरी टच करनी है आपको और स्लाइड बाय स्लाइड आपको वायर को उठाना है, सिर्फ टच करनी है आपको। अगर जोर लगाया तो प्रिंट उखड़ जाएगा, उसके बाद आप ना तो ECM रीड कर सकते हो ना कुछ होगा। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको इसको हटाना है और हटाने के तुरंत बाद इस पे आपको थिनर या कुछ भी लिक्विड से इसको क्लीन अप करना है। तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ। इसको मैं क्लीन अप करके दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि काम में इतनी साफ सफाई होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति देखेंगे भी तो उनको ये पता नहीं लगेगा कि इस पे कुछ काम करा भी है कि नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ना तो सोल्डरिंग का कोई निशान एक्स्ट्रा दिखेगा आपको ना कुछ दिखेगा, और ECM जैसा था वैसा ही है। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें 16C39 में सबको प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी ECM रिपेयर कराना हो या ट्रेनिंग के लिए संपर्क करना हो, वो हमारा नंबर है 9460307581 और 9414931581, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और YouTube पे जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए तो बहुत सारा ज्ञान उन पर प्राप्त होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।